बहुत घाटा पै रहा मेरे सामने। नमस्ते। ओ नमस्ते बेटा, कैसे हो? नमस्ते बेटा। बैठो बैठो, कैसे हो बेटा? बस बढ़िया अंकल जी। और क्या कर रहे हो? बस ये लो पहले मिठाई खाओ। ये किस बात की मिठाई बेटा? अंकल आप पहले खाओ तो सही। नहीं नहीं, किस बात की? आप पहले खाओ फिर मैं बताता हूँ आपको। लो आंटी। और कैसे हो, क्या किस बात की मिठाई है? अंकल जी मेरी सिलेक्शन हो गई है तो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया हूँ। ओ वाह बेटा, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बस आप लोगों की कहाँ पर हुई पोस्टिंग? लुधियाना में ही है। अच्छा अच्छा, सविता चाय लो। नहीं नहीं आंटी, बस मुझे थोड़ा भी जाना है, फिर मैं कभी नहीं नहीं पी लो बेटा थोड़ी, फिर कभी मैं आता, थोड़ा मुझे काम है। चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। लोगों के बच्चे देख लो कितने कितने। ओ ये कैसे हो पापा? मैंने ना आपसे एक बात करनी थी। बोलो बेटा। पापा मैं वीडियो एडिटर बनना चाहता हूँ। वीडियो एडिटर? मैं यार तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, तुम वीडियो एडिटर बनना चाहते हो? वीडियो एडिटर में नहीं कुछ रखा है? बैंक मैनेजर की पोस्ट बननी है, अभी अपनी तैयारी शुरू कर दो। इसे समझा देना बेटा। इधर आओ। मम्मी प्लीज पापा से आप बात करो ना। बेटा मेरी बात सुनो, आपके लिए जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। प्लीज मम्मी प्लीज उनकी बात सुन के देखो, वो ठीक कह रहे हैं। ठीक है ठीक है। अपने मन की सुनूं जब पापा की बात मानूं, पापा भी जरूरी है बट मैंने कुछ बनना भी तो है। क्या करूं क्या करूं, पापा की ही बात मान लेता हूं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है भाई, जल्दी मैं मर्जी कर ला, तेरी मर्जी है, तेरी लाइफ आ, तू आपका लाइफ का डिसीजन लेना वा, वधिया लई आपका फ्यूचर आपका तेरा देख के चले। चल छड्ड यार ये गल्लां नूं। चल ठीक है लड़ी है। चल ठीक है भाई, कोई चक्कर नहीं। अब तो मैंने पापा की बात भी मान ली, करियर भी बन गया, सब कुछ बन गया, गाड़ी मिल गई, दौलत मिल गई, शोहरत मिल गई, फिर भी मेरे को सुकून नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा मेरे को सुकून? जा रहा हूँ सब कुछ छोड़कर, मैं नहीं करना चाहता ये सब। प्रेशर फील करता हूँ मैं, ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं ये प्रेशर नहीं झेल सकता, अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं ये सब बातें आपको सामने नहीं बोल सकता, इसलिए मैं ये लेटर भेज रहा हूँ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे को ढूंढने मत आना और मेरा पीछा मत करना। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ सेफ हूँ, मैं अपना करियर बनाने जा रहा हूँ, मैं कुछ बन कर ही लौटूंगा। अपना ध्यान रखना, थैंक यू। सविता बाहर देखना कोई आया है? मेरे को ढूंढने मत आना, मेरा पीछा मत करना। कैसे चल गया? मैंने
क्या हुआ बैठू जे? वो ज्यादा ज्यादा लिख गया कि मेरा पीछा मत करना। मैंने आपको कहा था ना कि आप उसको ज्यादा प्रेशर मत दो। काश मैं तुम्हारी बात मान लेता। क्या हुआ? अब तो तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, शौहरत है, दौलत है, अब भी खुश नहीं हो? मैं नहीं हूँ खुश, नहीं हूँ खुश मैं इस लाइफ से, मैं इस गाड़ी से, इस बंगले से, इस दौलत से, शौहरत से, मैं नहीं खुश हूँ। मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ खुद इंजॉय करना चाहता हूँ। मुझे इंजॉय नहीं हो रहा इस लाइफ से, मैं नहीं जीना चाहता ऐसी ज़िंदगी। मैं छोड़ छाड़ के आ गया हूँ सारा कुछ। अब मैं नहीं करना चाहता ऐसी नौकरी, मैं नहीं घुट घुट कर जीना चाहता। चल हूँ मैं अपना काम है वीडियो डायरेक्टिंग का, तू मेरे नाल रह, आप वधिया काम करांगे। हाँ हाँ आप दोनों इकट्ठे रह के काम करांगे, पर अपना वीडियो डायरेक्टर का काम कम करांगे। हाय गाइस, मैं शैम्पी नाल मेरी टीम नाल लाडी टीम है, ये लाडी की प्रोडक्शन है। तो साडा मैसेज ये थोनू वधिया लग्या प्लीज़ इनू शेयर करो। तो साढ़े असी छोटा जहा मैसेज दिता भी जे किसी पेरेंट्स के बच्चे यानि कि कुछ करना चाहते हैं तो अगे और वो अगे अपने बच्चों के फ्यूचर लिए थोड़ा जहा उन्हों की भी एक बार गल सुन लिया कर, क्योंकि पेरेंट्स हाथ जे पढ़ सकते हैं पर दबोचना नहीं चाहिए। साड़ी तो छोटी जी कोशिश सी, जो थोड़ा वीडियो वधिया लगी प्लीज़ लाइक शेयर कर दें। तो मैं सारी टीम का थैंक्स करता वा, तो स्पैशली मैडम सविता का, शोभा का, अजय का, लाडी का, अपनी प्रिंस जी का, मेरा तो हैगा ही है थैंक यू। तो बहुत वधिया लग्या साडा शूट करके, एक्सपीरियंस बहुत वधिया सी। तो बाकी जे थोनू वीडियो वधिया लगी है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दिओ। तो असी ये सानू एक मौका दिता ब्रिली को लुधियाना ने, तो जिन्होंने सानू पार्टिसिपेट करने लिए इंस्पायर किया, तो थैंक यू सारिया का। एवरी टाइम अपने बच्चों का साथ दो। बाकी कहना चाहते कुछ तुम? थैंक यू वेरी मच, शेयर प्लीज़।